आ जाओ भैया आ जाओ, जो भी हमारे यहाँ के 50 पराठे खाएगा उसको जिंदगी भर फ्री में पराठे खाने को मिलेंगे। आ जाओ भैया आ जाओ भैया आ जाओ। उत्तरी तो 50 पराठे वो भी फ्री में? 50 क्या, मैं तो 60 पराठे खा जाऊंगा। वैसे भी मैं 6 महीने से भूखा हूँ, अभी जाता हूँ और घटाघट निपटाता हूँ। अरे क्यों टकलू उस्ताद, ये बात सही है क्या, 50 पराठे खाने पर जिंदगी भर मुझे फ्री में पराठे खिलाओगे? अरे हाँ चमन झिंगे, ये टकला यूं ही निकला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, अगर 50 पराठे खा लेना तो जिंदगी भर फ्री में पराठे खिलाऊंगा। अरे तो भैया देर किस बात की, फटाफट आप तो पराठे लगाओ, मैं घटाघट निपटा देता हूँ। ए चमन झिंगे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, अगर तेरे 50 पराठे नहीं खवाए तो उसके डबल पैसे लूंगा, मंजूर है तो बोल। अरे हाँ हाँ तू तो पराठे लगा, 50 क्या, मैं तो 60 पराठे टपका जाऊंगा और तू ज्यादा बोलेगा ना, देखो पराठे मिला के खा जाऊंगा, तू तो पराठे लगा। हाँ जल्दी बैठ, टेबल पे बैठ, लगा रहा हूँ पराठा। ये लो भाई साहब आपके 25 पराठे हो गए। अरे टकलू बोस बस बस यार, मेरा पेट भर चुका है यार, अब नहीं होगा मुझसे। बस बस साले निकल गए हवा, साले 50 पराठे खाने की बात हुई थी। अरे भाई साहब आप मुझसे पराठे नहीं खिला रहे यार, मेरा पेट फोड़ोगे क्या? बस निकल गई तेरी हवा, कितने पराठे खाए तूने? 25, 25 दुना 50, 50 पराठे के पैसे दे और पतली गली से निकल। ठीक है भाई साहब देता हूँ, ये लो भाई साहब पूरे दे साले और निकल। अरे यार भाई साहब पूरे पैसे ले लिए आपने तो। साले सर तो पूरी नहीं करी ना, इसलिए टकलू दादा का नाम यूं ही नहीं चलता, यूं ही दुकान लेके नहीं बैठा। निकल यार 10,000। चल कोई दूसरे मुर्गे को फंसाता हूँ। आ जाओ भैया आ जाओ, 50 पराठे खाओ और जिंदगी भर फ्री में पराठे खाओ। तो जो भी 50 पराठे खाएगा उसको जिंदगी भर फ्री में पराठे खाने को मिलेंगे। आ जाओ भैया आ जाओ, 50 पराठे खाओ जिंदगी भर में। अरे वाह यार ये तो बहुत गजब की स्कीम है यार, एक काम करता हूँ 50 पराठे खा लूंगा। अरे 50 क्या, मैं तो 100 खा जाऊंगा, क्योंकि यार 4-5 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, जेब में पैसे भी नहीं है। स्कीम अच्छी है, 50 पराठे खाता हूँ और जिंदगी भर फिर 800 पराठे खाऊंगा, इसके आके कमाने का टेंशन ही खत्म। हाँ घर वाले निकम्मा बोलते थे ना, घर भी छोड़ दूंगा मैं, आता हूँ मैं बेटा टकले। और टकलू बॉस सही बोल रहे हो क्या, अगर 50 पराठे खा लिए तो जिंदगी भर खाने को मिलेगा या फ्री में? अरे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मेरे टकले की कसम जिंदगी भर पराठे फ्री में खिलाऊंगा। तो फटाफट लगाओ, देर किस बात की। भालू पहले पूरी बात तो सुन ले, अगर पूरे 50 पराठे नहीं खा पाया तो डबल पैसे लूंगा। 50? अरे बेटा 100 खाने की कैपेसिटी है, तू तो लगा पानी। अरे हाँ जा लगा रहा हूँ पक पक। चलो भाई साहब आपका पराठा। भाई साहब आप 50 पराठे खाओगे तो कुछ एंट्री वगैरह काई में करोगे? हाँ यार एंट्री की तो आफत है यार। भैया एक काम करो यार, एक कागज और पेन ला दो यार। मुझे पता था तू जरूर यही बोलेगा, ये ले पेन और ये ले कागज, एंट्री करते जा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। पराठा लगा दो। चलो भाई साहब आपके हो गए 10 पराठे। ऐसा? हाँ। अरे अरे काम करता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो। ए, पराठा लगा दे। अरे ये भूखड़ कितने जन्म से भूखा है यार, 45 पराठे तो खा गया, अगर 5 पराठे और खा लिया तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी और जिंदगी भर फ्री में पराठे खिलाने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ ना, इसका कागज बदल देता हूँ। चलो भाई साहब आपका पराठा। अरे भाई साहब वो कौवा की कोयल है। वो कौवा यार। अरे कोयल ने, ठीक से देखो यार। अरे नहीं यार। अरे ठीक से देखो भाई साहब। यार भैया बोल तो रहा हूँ यार, कौवा यार। अरे भाई साहब ये आपने तो 10 ही पराठे खाए। 10? अरे भैया यार मैंने 45 पराठे खाए यार, तो 10 कैसे लिखो भैया? आप तो एक काम करो, ये 10 पराठे की वैसी की वैसी तुम तो फिर से शुरू से गिनो और फिर से मैं 16 पराठा खाऊंगा और 50 पराठे पूरे खाऊंगा। अरे क्या तो फिर से पराठे खिलाऊंगा भैया से? अरे भैया ये तो खा लें दो। अरे क्या खा लें दो यहाँ से भाग। अरे मत करो यार। अच्छा वो उस बड़े बाल के भालू को भागा दिया, तो जिंदगी भर पराठे खिलाने पड़ते उसको।